इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर धरना। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे। बता दें कि 108 और 102 में सेवा देने वाले सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन ब्रजेश पाठक के आवास पर धरने पर बैठ चुके हैं। 2012 से लेकर 2021 तक एम्बुलेंस में सेवा देने वाले कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और 2021 से 9000 कर्मचारियों को एक निजी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि 3 सालों से लगातार नौकरी से अचानक निकाले जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों से कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर मुलाकात, मगर कर्मचारियों का कहना है कि अब तक किसी भी मांगों पर नहीं हुई कोई सुनवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन। कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रजेश पाठक के आवास पर मिलने भी गया। बता रही कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए।